समाजवादी पार्टी के बेदीहाता स्थित कार्यालय पर रविवार को जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक का संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम और जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होने वाले युवा घेरा कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, यशपाल रावत, अमरेंद्र निषाद, मिर्जा कदिर बेग, राजकुमारी देवी, मैना भाई, संजय सिंह सैतवाल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम लोगों को युवा घेरा कार्यक्रम आयोजित करना है। उसी के तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक आवश्यक बैठक हो रही है। इसमें हम 12 तारीख को पार्टी का निर्देश है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हम लोग गांव-गांव और वार्ड लेवल पे हर जगह युवाओं का एक घेरा बना करके गांव-गांव में लोगों को बैठाएंगे और हम उनको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमारी सरकार ने चुनाव के दरमियान कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबको रोजगार देंगे, सबको व्यवसाय देंगे, सबको नौकरी देंगे, और जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सरकार में सभी को रोजगार, नौकरी, व्यवसाय देने का काम किया। जिन लोगों को रोजगार नहीं दे पाई हमारी सरकार तो हमारी सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। आज इन्हीं सारी बातों को बताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत कार्यक्रमों को बताने के लिए, इसी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं।